Swami Vivekananda. बर बन जहाँ न कोई छाड़ तात जानके ही सोई जानके ही सोई हे राम पीले क्या हुआ सुन लीजिए ये तूने क्या किया दादा ने बोला पेड़ में एक ब्रह्म राक्षस रहता है मैं रात को वहीं रुक गया सोचा शायद उसके दर्शन हो जाए बिना जांच के कभी किसी की बात नहीं मानना बेटा माँ देखो बेटा अनुभवी सच्चा ज्ञान है ये सदा याद रखना No.
अच्छा अब बताओ जलद माने। सर, सागर सर। ए, मूर्ख। ए, तुम बोलो। सर, जलद माने नदी सर। तुम भी इसी के भाई हो, चलो जलद माने बोलो। ये क्या, ये क्या जलद माने, तुम बताओ, तुम बताओ जलद माने। जी जी जी, जी क्या इतनी देर से समझा रहा हूँ, सर खपा रहा हूँ, सो रहे थे क्या सबके सब? तो नरेंद्र रहा है सर, और शांत से खराटे भी ले रहा है। नरेंद्र, तुम क्लास में सोते हो और खराटे लेकर, तो कहो जलद माने क्या? मेघ। और जलधि? जलधि माने सागर, समुद्र। छात्र हो तो ऐसा नालायको, तुम सब बेंच पर खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ। नहीं नहीं नरेन, तुम्हें नहीं खड़ा होना, ये मूर्ख। नहीं सर, मेरी सारी साथी बेंच पर खड़े हैं, मैं कैसे बैठूं? मैं भी अपने साथियों का ही साथ दूंगा। আসুন আসুন আসুন, আস্তে আস্তে আজ্ঞা হোক। নমস্কার নমস্কার। আপনাকে এত দূর ডেকে এনে খুবই কষ্ট দিলাম, তার জন্য ক্ষমা করবেন। না না, কষ্ট আসুন, কিচ্ছু কষ্ট, আপনি মহানুভব, বসুন বসুন বসুন। আশা করি আপনি কুশলেই আছেন। আপনাদের আশীর্বাদে সব শুভ আছে। कैसे हो बेटे, पढ़ाई चल रही है या पढ़ाई का नाटक? नाटक नहीं तो। अच्छा, देखूं तो क्या पढ़ रहे हो तुम? बंकिम चंद्र, विद्यासागर, माइकेल, शेक्सपियर, एरिस्टोटल, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन, ये सब पढ़ रहे हो तुम? हाँ, आप इनमें से सवाल पूछ लीजिए। अच्छा, उनकी शॉप से किताब कौन सी अच्छी है? एक ही किताब लिखी है उन्होंने अब तक, लीव्स ऑफ ग्रास, अच्छी कविताएं हैं, 32 वर्ष के आयु में लिखी थी। फिर तो 73 साल की उम्र तक उन्हीं कविताओं को उलट पलट कर लिखते रहे और फिर स्वर्ग सिधार गए। अद्भुत, विलक्षण बुद्धि है तुम्हारी, एक दिन निश्चित तुम देश का नाम ऊंचा करोगे। बंधुओं,
हम जिस ब्रह्म धर्म का प्रचार कर रहे हैं उसका भावात्मक स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप है अनंत को खोजने का प्रयास। आज हमारे देश में प्रचलित है अनाचार, अधर्म, अंधविश्वास। इससे हमारे ज्ञान को ही नहीं प्राण को भी धक्का लगा है। धर्म मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए है, न कि उसे नीच बनाकर उसकी अवज्ञा करने के लिए है। इसीलिए हम जाति भेद नहीं मानते। हमारे धर्म में केवल एक ही जाति है और वो है मनुष्य जात। हिंदू समाज में आज भी बाल विवाह की कुप्रथा प्रचलित है। इसका भयंकर फलाफल कौन नहीं जानता। ये प्रथा हमें बंद करनी ही होगी। पूछिए इनसे, इन्होंने धनी दूल्हे की खातिर अपनी कन्या का बाल विवाह किया है कि नहीं? क्या इन्होंने ऐसा किया? बिल्कुल किया है। पूछिए, पूछिए इनसे। महाशय, आपने अपनी नाबालिग कन्या का विवाह एक धनवान पुरुष के साथ किया है। जब आप स्वयं ही ब्रह्म समाज के अनुशासनों को नहीं मानते तो हमें क्यों उपदेश देते? कोई मुझे बताएगा ठीक क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है? सर, आपने ईश्वर को देखा है, उसके दर्शन किए हैं? नहीं बेटा, तुम्हारी आंखें किसी योगी जैसी लगती हैं। तुम चाहो तो ईश्वर के दर्शन कर सकते हो। ए नोरेन, यार तुम यहां घूम रहे हो? अरे यार, एक समस्या आ गई है और उसे हल भी तुम ही कर सकते हो। आज घर पर संगीत का आयोजन किया है। श्री रामकृष्ण परमहंस पधारने वाले हैं, किंतु जिन्हें गाने के लिए बुलाया था वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। अच्छा। यदि तुम गा देते तो बस इतनी सी बात है, चलो आओ। नरेन, शुरू करो ना। सद्गुरु बिना ना छुटी है, सद्गुरु बिना ना छुटी है, मन मन साकी दाग, बिना प्रेम धीरज नहीं।
नैनानी भर लाइया, नैनानी भर लाइया, रहत बसे निस जान, रहत बसे निस जान। पपिहा क्यों पियो पियो करे, पपिहा जू पियो पियो करे, पियो पियो करे। कब मिलोंगे राम राम राम। ना नरेन गाओ, गाओ ना। बिना प्रेम धीरज नहीं, विरह बिना बैराग, बिना प्रेम धीरज नहीं। आई ना सकूं तुझ पे, आई ना सकूं तुझ पे, सकूं ना तुझ बुलाई, सकूं ना तुझ बुलाई। जियरायु ही लहूरी, जियरायु ही लहूरी, लहूरी तपाई 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 तपाई, बिना प्रेम धीरज नहीं, विरह बिना पैरा, सदगुरु बिना ना छुटी है, सदगुरु बिना ना छुटी है, मन मन साकी दाग, बिना प्रेम धीरज नहीं। एक बार दक्षिणेश्वर आओ ना, होगे ना, मैं तुम्हारी राह देखूंगा, जरूर आना। नरेन जरूर आना। Far oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. The poet had an experience of a state of trance while contemplating the beauties of nature. Yes. Sir, what is trance?
Trance is such an experience which is the result of purity of mind and its concentration on some particular object. A person fit for such a state is rarely to be seen. I have seen only one person blessed with such a state of mind. Ramakrishna Paramahansa of Dakineshwar. You will understand it if you go and see for yourself. एक बार दक्षिणेश्वर आओ ना, होगे ना? मैं तुम्हारी राह देखूंगा, जरूर आना. माँ, क्यों नहीं भेजा तूने उसे अभी तक मेरे पास? मुझे उसे देखना है माँ, मुझे उसकी जरूरत है. भेजना माँ. लोग नहीं आओगे? नहीं नरेन, तुम चलो. अच्छा ठीक. माँ, तूने अभी तक नरेन को भेजा क्यों नहीं? माँ, उसे भेज देना. माँ, वो अभी तक आया क्यों नहीं? उसे भेज देना माँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ. एक बात बताओगे? हम्म. तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? माँ की तरह. माँ जिसकी पूजा मंदिर में होती है, जिसने शरीर को जन्म दिया है, आजकल जो नौबत में रहती है, और अभी अभी जो मेरे पैर दबा रही थी, सचमुच मैं तुम्हें अवतार ही नहीं, कल्याणमयी मां का अवतार समझता. मां मां अवतार ही नहीं, कल्याणमयी मां. माँ को
मेरे लिए गीत गा तो गाना गा जाए घर अपने इस परदेश में ओ परदेश में क्यों परदेसी रहें ए चलो मन जाए घर अपने चलो मन जाए घर अपने जो भाए वो कोरा सपना आँख जो भाए वो कोरा सपना सारे पराए हैं कोई ना अपना आँख जो भाए वो कोरा सपना सारे पराए हैं कोई ना अपना ऐसे झूठे प्रेम में पड़ना भूल में काहे जिए चलो मन जाए घर अपने चलो मन जाए घर अपने जला के साचे प्रेम की ज्योत जला के मन सुन मेरी कान लगा के साचे प्रेम की ज्योत जला के मन सुन मेरी कान लगा के पाप और पुण्य की गठरे उठा के अब राह चले चलो मन जाए घर अपने चलो मन जाए घर अपने इस परदेश में ओ परदेश में क्यों परदेसी रहें ए चलो मन जाए घर अपने चलो मन जाए घर अपने
दिनों के बाद आया तू। मैं तेरे लिए राह में आंखें बिछाए बैठा रहा, तुझे पता ही नहीं चला। इतना निठुर कैसे हो गया रे तू? विषयी लोगों से बातें कर करके मेरे होंठ जल गए रे नरेंद्र। सब कुछ देना चाहता हूं, सब कुछ, जो कुछ मेरे पास है उसे देना चाहता हूं, जो पात्र हो, समझ सके, ग्रहण कर सके। और वो तू है नरेंद्र, तू है प्रभु। मैं जानता हूं तुम कौन हो, प्रातन ऋषि नर नारायण। सांसारिक जीवों की दुर्गति निवारण के लिए ही तुम इस धरती पे आए हो। मैं जानता हूं प्रभु। जी खा लूंगा, बाहर मेरे मित्र खड़े हैं, हम सब मिलकर खा ले। उनके लिए और है, ये तू खा, खा। इधर बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाता हूं। ये ले खा, और खा। क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, जैसे मैं तुझे यहां बैठा देख रहा हूं ठीक वैसे। मानव मन की सगुण अनुभूति उसके दर्शन करा सकते, उसे देखा भी जा सकता है, बातें भी कर सकते जैसे मैं तुझसे कर रहा हूं। किंतु भगवान को कौन चाहता है? कोई चिंता करता है भगवान की? लोग अपने बाल बच्चों के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, गरीबी के लिए रोते हैं, पैसों के लिए रोते हैं। कोई भगवान के लिए रोता है? हाँ? कोई नहीं रोता। अरे सरल भाव से रोकर उसे पुकारे तो सही, भगवान स्वयं उसे मिलने चले आते। हाँ चल खा। नरेन, ठाकुर का क्या आशीर्वाद मिला? उसने कहा हाँ मैं उसे वैसे ही देख सकता हूं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। मानव मन की सघन अनुभूति ही उसका दर्शन करा सकती है, फिर उसे देखा भी जा सकता है और उसे बातें भी की जा सकती है, ठीक वैसे जैसे मैं तुमसे कर रहा हूं। लेकिन भगवान को चाहता कौन है? लोग रोते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी गरीबी के लिए, लेकिन भगवान के लिए कोई रोता है? यदि कोई सच्चे मन से भगवान के लिए रोए तो भगवान स्वयं ही चले आएंगे। मां यहां क्यों बैठी हो अंधेरे में? अंधेरे में ठंडक होती है बेटा, वही तो दही से मक्खन निकालने में काम आती है। अच्छा तू रामकृष्ण से मिल आया?
मिला। नहीं माँ, आज के लिए बहुत हो गया। जरूर जाओगे, अच्छी हो जाओगी और उनसे मिलोगी भी। क्या तुम्हारे लिए ही तो मैंने उन्हें वहां रखा हुआ है। कौन हो तुम? रिश्तेदार हो हमारे? मैं तुम्हारी बहन हूं। अच्छा, इसीलिए तुम आई हो यहां। भरे हुए हैं, इतनी दूर से आई हो ना, इसीलिए। क्या तुम्हें किसी ने चरण धोने को पानी तक नहीं दिया? अच्छा, मैं देती हूँ। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। मतलब क्या हुआ मां? वो तो मुझे पहचानता तक नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो मेरे कण कण में समाया हुआ है, और मैं उसमें। ऐसा क्यों हुआ मां? बोलना मां, बोलना, बोलना मां। मां भवतारिणी कल्याणमयी, तुम क्या मुझे मेरे पद से विचलित करना चाहती हो? साधना से खींचकर गृहस्थी में घसीटना चाहती हो? कभी नहीं। मैं क्यों खींचू तुम्हें गृहस्थी में? मैं तो तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभव में सदा के लिए तुम्हारी सच्ची संगिनी। Thank you.
ये आपने क्या किया ठाकुर? मेरे घर में माता पिता है, माता पिता है। ठीक है ठीक है, आज ही तक, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा सारा ज्ञान अर्थहीन हुआ जा रहा है, समझ में नहीं आता क्या। ज्ञान सत्य। इस अद्भुत पागल नाबालिग जैसे सरल इंसान के बारे में कोई ठीक फैसला नहीं कर पा रहा। यह सम्मोहन विद्या है या अर्थोन्माद, कुछ समझ में नहीं आता। ये ले, ये ले, खा, ये ले खा। ठाकुर आज मैं चलता हूं, मैं फिर आऊंगा। आएगा ना? हाँ आऊंगा, आऊंगा। आएगा ना नरेन? हाँ मैं फिर आऊंगा। हाँ बारे में ऐसे ही सोचते हैं क्या? हाँ हाँ ए, किसकी मूर्ति है रे? विक्रम बाबू की है ठाकुर। बाबू को खड़ा किए बिना ही मूर्ति बना रहा है, कैसे? उनकी छवि मेरे मन में है और मन जैसे जैसे कहता है मेरे हाथ उसी तरह बनाते जाते हैं। मेरा मन शंकाओं से भरा था, आपने उन्हें दूर कर दिया ठाकुर, आपने दिखा दिया कि सत्य क्या है। अनेक में एक, एक में अनेक। मोस्ट फिलोसॉफिकल सिस्टम्स आर ओनली इंटेलेक्चुअल डायग्राम्स गिविंग नो प्लेस टू द इमोशंस ऑफ मैन, thereby stifling his creative and responsive faculties. दुष्ट, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। माँ कहती है मैं तुझे चाहता ही इसलिए हूं कि मुझे तुझ में भगवान दिख पड़ते। माँ मेरा नरेन खरा सोना है, मां तमा नहीं। नहीं चाहिए मुझे ये सब किताबी ज्ञान,
सत्य की मीमांसा। मुझे परम सत्य चाहिए, केवल शुद्ध सत्य। सत्य के दर्शन हो जाए तो मानो धर्म की राह मिल गई, वो स्रोत मिल गया जिससे सृजन की सारी धाराएं निकलती है। बेटा, सत्य को हर ओर से परखने का प्रयास कर, हर तरफ से जानने की कोशिश कर। क्यों आता है यहां? अगर मेरी मां में विश्वास नहीं है तो क्यों आता है? जरूरी नहीं कि मैं यहां आऊं तो आपकी हर चीज पर विश्वास भी करूं। आपकी मां मरीचिका है, मृत तृष्णा। मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा मैं। वो एक भ्रम है, मायाजाल, आपके अपने दिमाग की सृष्टि। मुझे इन मूर्तियों में बिल्कुल विश्वास नहीं। विश्वास के लिए चाहिए प्रमाण, पक्का सबूत। ना होने से मैं कहता रहूंगा कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई छवि नहीं, उसका कोई आकार नहीं। दिन के समय तारे नहीं दिखते तो क्या तू कहेगा तारे हैं ही नहीं? अरे, तारे देखने के लिए पूरे दिन प्रतीक्षा करनी होती है, रात की प्रतीक्षा। और फिर सभी तेरी तरह जानवर थोड़े ही हैं। साधारण मानुष के लिए निराकार ब्रह्म की कल्पना अतीत है, पर मेरी मां सत्य है, साकार ब्रह्म। याद रखना, एक दिन तू मेरी मां को स्वीकार तो करेगा ही, बल्कि उसके चरणों में रो रोकर लौटेगा भी। हां, आध्यात्मिक सत्य वो तो सब तर्कों से ऊपर है। उस सत्य को पाने की तड़प या कि चेतनता की उस ऊंची अवस्था में विश्वास करना ही आध्यात्मिकता है। ठाकुर भी तो यही कहते हैं कि बुद्धि से जो सत्य प्राप्त हो उस पर तो विचार किया जा सकता है, परंतु आध्यात्मिक सत्य वो तो सारे विचारों से ऊपर है। इस संसार में मैं एकदम अकेला हूं। ठाकुर, महाभारत में लिखा है कि ईश्वर दर्शन करने के लिए सात्विक लोगों की संगत करनी होती है। हाँ, किंतु ये कैसे पता चलेगा कि हम लोगों में से सात्विक कौन है? ए, कौन है रे सात्विक? मैं क्या जानू, मैं तो नहीं हूं। तुझे पता है? मैं तो चला। ए, बोल। मैं तो जा रहा हूं। तू बता। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने,
इस परदेश में ओ परदेश में क्यों परदेसी रहे ए, चलो मन जाए घर अपने चलो मन जाए घर खुली तलवार की तरह अखंड का घर सप्त ऋषियों में से एक तू अगर निषेधन खाए भी तो कोई पाप नहीं तेरे अंदर तो निरंतर ज्ञान की अग्नि जल रही है वो अग्नि सारे आहार दोष को भस्म कर देगी जैसे मैंने तेरा यह हाथ हटाया है उसी तरह मैं तेरे हृदय पर पड़ा पर्दा भी हटा सकता हूं और तेरे भीतर भी झांक सकता हूं चंचल माया तुझे कभी अपने वश में नहीं कर सकती नरेन नहीं मानता आप बेकार में मेरी तारीफ करते रहते हैं मुझे आपके कहे का बिल्कुल विश्वास नहीं है मैं सदा सच बोलता हूं वही बोलता हूं जो मेरी मां मुझे बोलने को कहती है और कोई बात मैं बोलू ही क्यों लाटू आ, आ, ठाकुर चल पुकुर नदी और सागर देख कर आते चल जी ठाकुर चल नरेन नरेन खंबे से टकरा गया मैं गली में जैसे नींद में चलता रहा सपने में चलता रहा और टकरा गया किंतु क्यों क्या अर्थ है इसका मेरा खंबे से टकराना और टकराकर धरती पर गिरना ये तो शरीर की सच्चाई है तो मैं कहां हुआ सच में या सपने में मां क्या मैं तुम्हारे ही शरीर का अंग नहीं हूं वो तो तुम हो क्या मां त्याग की साक्षात प्रतिमा नहीं होती होती है बेटा तो
बस यही सोचकर आंखें भर आई। अच्छा अच्छा चल ये मिठाई खा ले और फिर पढ़ाई शुरू कर, तेरी परीक्षा आने वाली है ना। ठीक है माँ। ले ये किताबी ज्ञान, क्या यही सब कुछ है? सब कुछ यही है जीवन में? स्वयं जीवन, जीवन के अनुभव और उससे उपजी करुणा, कुछ भी नहीं? व्यर्थ है ये किताबें। काफी है, पर उसकी पहली जरूरत होती है रोटी, मोटी रोटी, मोटा कपड़ा, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद धर्म। प्रणाम ठाकुर। किंतु ये कैसे होगा? इसके लिए चाहिए उदार मनुष्य, उसके बाद धन। इन दोनों को दीन तक पहुंचना होगा। प्रणाम ठाकुर। तब कहीं जाकर बात समझ में आती है। अब तुम लोग, मजा आया ना? मजा आया। बिना प्रेम धीरज नहीं, विरह बिना बैरा, सदगुरु बिना ना छुट्टी है, सदगुरु बिना ना छुट्टी है, मन मन साकी गाग, बिना प्रेम धीरज नहीं। ठाकुर आप ठीक तो हैं? मैं तो ठीक हूं, तू क्यों आता है यहां मेरे पास? आज तो मैंने तेरे से बात भी नहीं की, तेरी तरफ देखा भी नहीं, तेरी परवाह भी नहीं की। जी आता हूं, पर आपकी बकवास सुनने थोड़ी आता हूं, बल्कि इसलिए आता हूं क्योंकि क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं। कोई भी व्यक्ति इतनी उपेक्षा नहीं सह सकता रे, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। देख, मैंने तपस्या करके बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियां पाली, तुझे देना चाहता हूं, सब तू जीत पात्र है, उन्हें स्वीकार और मानवता की भलाई के लिए उनका उपयोग कर। इन शक्तियों की मदद से मैं भगवान को देख सकूंगा क्या? नहीं रे, नहीं। फिर नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, फिलहाल तो नहीं चाहिए,
और लगता है आगे भी नहीं चाहिए होगी। मगर इन सिद्धियों के चाहने वाले ढेर सारे लोग आपके चक्कर लगा रहे होंगे। दे दीजिए उन्हें, वो आपको दुआ देंगे, याद रखेंगे आपको। हर कोई इतना ऊंचा नहीं उठता नरेन जो सिद्धि पा सके। को यहां देखकर बड़ी खुशी हुई, पधारिए, विराजिए। धन्यवाद। बैठो नरेन, कहिए कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं नरेन। नरेन, नरेन का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। वेल माय बॉय, तुम्हारे पढ़ाई के बारे में मैंने काफी चर्चा सुनी है। तुम्हारे बाबा तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारे सपने सजाए हैं। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ काम करोगे असिस्टेंट बनकर? जी क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज से मैं इसका भविष्य आपके हाथों सौंपता हूं। अरे मैं कौन होता हूं, ये तो खुद ही समझदार है। क्यों नरेन? अच्छा तो फिर हम चले। अच्छा नमस्कार। हाँ वही तो मैं बार बार कह रहा था। लेकिन नरेन, नरेन बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। तारिणी कल्याण मई मां, दया कर मां, मुक्ति दे। मां, अपने मां से प्रार्थना कीजिए ना, मांगिए ना। देखिए मेरी गरीबी दूर हो सकती है क्या? मैं क्यों मांगू? तू मांग, किंतु तू तो मेरी मां को मानता ही नहीं। सुन आज मंगलवार है, प्रणाम करके मां से जो भी मांगना है मांग, वो अवश्य देगी। मेरी मां तो चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है रे, उनकी इच्छा हो तो क्या नहीं हो सकता। जा जाके मांग। बहुत मजा आएगा अभी देखना। चुप चुप मां, चुप। मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। मां तथास्तु। मांगा? वो नहीं मांगा जो मांगना चाहता था। मूर्ख, क्यों नहीं मांगा? जा फिर से जा मांग, वो अवश्य देगी। जा जा। हा
कितनी हद तेरी। हे माँ, माँ मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। करुणा माँ तथास्तु। मांगा जो चाहता था? नहीं। तो फिर? मैंने भक्ति, ज्ञान, त्याग और वैराग्य मांगा। दूर साला, पैसा नहीं मांगा, पैसा पैसा, जा पैसा मांग पैसा, जा। पैसा चाहिए। माँ, एक राजा से मुट्ठी भर ताने नहीं मांग सकता। मां आपने अवश्य कोई जादू किया है मुझ पर। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं कुछ भी नहीं मांग पाया आपकी मां से। शायद तेरे भाग में सुख है ही नहीं। कोई भी मदद नहीं कर सकता तेरी, कोई नहीं। अगर मेरा यही भाग्य है तो मेरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी भी आपकी है, याद रखिएगा। याद रखिएगा। मेरे नरेन बड़े कष्ट में है मां, उसे सुख का वरदान दे, वरदान दे मां। नरेन के परिवार की जिम्मेदारी ले सकोगे? खुशी से ठाकुर। तू चाहे मेरा बुरा सोच लेना, कि तू उसे बुरी दृष्टि से ना देखना। इस शरीर में जो निवास करता है शायद तुझे क्षमा कर दे, कि तू उस शरीर में जो निवास करता है
उसके कोप से ब्रह्मा विष्णु महेश कोई तुझे बचा नहीं सकता। अरे मूर्ख, ये तो सरस्वती है, संसार के मनुष्य को बुद्धि का वरदान देने के लिए इसने अवतार लिया है। इसने तो अपने स्वर्गीय सदर को छुपा के रखा है, फिर भी तुझ जैसे लोलूप इन पर घिनौनी दृष्टि डालते रहते। जा, जा। मां, मां, मां को जोगिन, जोगिन मेरे हाथ किधर है, मेरे पांव किधर है? ये तो रहे तुम्हारे हाथ और पांव, मां क्या हुआ? मेरा मन ना जाने कहां लाल, नीले और कैसे कैसे रंगों में डूबा हुआ था, पर ये कठिनाई से मैं इस संसार में वापस लौटी हूं। मां, ये आत्मा की निर्विकल्प अवस्था है। मां, मां एक बात पूछूं? पूछ। हम लोग भगवान से मिलना तो चाहते हैं पर मिल नहीं पाते, ऐसा क्यों? रिदे सर बदला तो ये मक्खियां देख रहा है नरेन, ये मक्खियां ग्लास के बाहर रहकर ही शरबत का स्वाद लेना चाहती है कि तू शरबत का स्वाद जानने के लिए तो उसमें डूबना होगा ना, और उसी से ये मक्खियां डरती है, मौत से डरती है। लोग भाग भी यही मक्खियों की तरह ये नहीं जानते, अरे सच्चिदानंद के शरबत में डूबने से मृत्यु थोड़ी ही होती है, अरे उसमें डूबने से तो स्वयं शरबत बन जाते हैं। ये शरबत सच्चिदानंद का है, घूट घूट पियो इसे, पियो। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने, इस परदेश में वो परदेश में क्यों परदेसी रहे। हाँ चलो जाए घर अपने, चलो
गया मां, मैं आ गया। ये कैसी अवस्था है? अपंग, लाचार। गंदा कर देती। तुम्हें ऐसा पता चला कि मुझे बाहर जाना है। अचानक मेरे अंदर मरोड़ उठी और मैं जान गया। तू सो जा, सो जा माँ, सो जा। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है जैसे कि सब अंधविश्वास है। विश्वास तो होता ही अंधारे नरेंद्र। ऐसा कोई विश्वास नहीं जिसे आंख देख सके। विश्वास से ज्ञान बढ़ता है। जहां तर्क बढ़ जाता है वहां अहंकार रह जाता है। ईश्वर दर्शन होता नहीं। धर्म को जानने के लिए अनुभव करना जरूरी है। हर मां जानती है कि किसी भी ज्ञान का आधार अनुभव ही होता है। ये आदमी कितना महान है किंतु कितना सरल। कहाँ थे नरेन? कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं? क्यों, मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? ठाकुर बोलते हैं कि हम लोगों में कोई सात्विक नहीं। हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर ठाकुर तो बीमार है। खैर चलो। कृष्ण नाम रस कयो जात है। कृष्ण नाम रस कयो जात है। त्रिशावंत हो बीजे सूरदास प्रभु शरण ताकिए। सूरदास प्रभु शरण ताकिए। जन्म सफल कर लीजे। मन कृष्ण नाम कह लीजे। हे मन कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल करी मान। गुरु के वचन अटल करी मानव। साधु समागम कीजे। मन कृष्ण नाम कह दीजे। रे मन कृष्ण नाम कह दीजे। अच्छा मौका है, हाथ से निकलने न पाए।
सन्यासी तलाश जिसकी है वो पाप ही नहीं, उसका घर तो जमीन नहीं, जमीन पे में वो पर वो बाकी कहीं कोई नहीं, तुम भी यही हो मैं भी यही। सन्यासी तलाश जिसकी है वो तो कहीं नहीं, उसका घर तो जमीन नहीं, जमीन पे में वो पर वो बाकी कहीं कोई नहीं, तुम भी यही हो मैं भी यही। रामा कृष्णा हे रामा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा के, आग जरा सी दिल में रख के, आना नहीं दोबारा यही, जीना यही है मरना यही। रामा कृष्णा हे रामा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा हे रामा, त्याग देती हूं और आज से मैं सन्यास लेती हूं। हाँ हाँ, नरेन ठीक उस आग की तरह है, न जाने कब किसलिए भड़क उठे। देखा तुम लोगों ने, आखिर इस कमरे में
क्या, ये क्या? नरेन, नरेन, हमारी सोच बहुत गहरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन इसी संसार से जुड़ा हुआ है ना। जो धन और वासना को जीतकर उपासना में ध्यान लगाते हैं, उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। खून? ये क्या हुआ ठाकुर? चलिए आइए अंदर चले। नरेन कविराज मुशे, इनके गले में रोहिणी रोग हो गया है, डॉक्टर लोग जिसे कैंसर कहते हैं। इसका कोई इलाज? कोई नहीं, शास्त्र में तो इसकी चिकित्सा कोई नहीं। हाँ, काली माँ ही कुछ चमत्कार कर दे तो शायद बात बन जाए। जन्म मृत्यु रोग शोक ये सभी तो शरीर धर्म है, सबको एक न एक दिन तो जाना ही है। इस समय हिम्मत हारने से नहीं चलेगा, हम सबको छूट जाना होगा और प्राणपण से सेवा करनी होगी। उसकी बात सुनो रे, उसकी बात सुनो माँ। माँ, ये रोज रोज दाल भात मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों और कुछ नहीं बनाती? माँ, मेरी यूनिफॉर्म तार तार हो गई है, नहीं नहीं दिलाई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ, मेरी फीस भरने का कल आखिरी दिन है, नहीं भरी तो मुझे क्लास में बैठने भी नहीं देंगे। हाँ, मांगने वाले कितने हाथ, देने वाला केवल एक। अब तुम सब ये ध्यान से सुन लो, इस घर को चलाने के लिए नरेन क्या कुछ नहीं करता, नौकरी के अलावा वो ट्यूशन भी देता है। मुझसे ये बात कही तो कही, लेकिन उससे कुछ मत कहना, समझे? मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाएगा। माँ,
नरेन को तूने विचार बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, आज से वही तेरी पूजा करेगा। मैं चिंता मुक्त हो गया मां, मैं चिंता मुक्त हो गया। शंकराचार्य ने माया को जीता ज्ञान से, उसके बाद पाई बहुत ऊंची जगह ब्रह्म ज्ञान। उसके बाद उन्होंने लोक शिक्षा शुरू की। ब्रह्म ज्ञान के बिना लोक शिक्षा दी जा सकती है क्या? नहीं ठाकुर, नहीं ठाकुर। पर ठाकुर, जब भी मैं सबको छोड़ने की बात करता हूँ तो लोग बाग नाराज हो जाते हैं, ऐसा क्यों? सन्यास तो आवश्यक है। इस पत्थर को ऊपर आने के लिए क्या करना होगा? इसे नीचे रखना होगा और इसे ऊपर। अब इससे ऊपर आने के लिए क्या करना होगा? इसे नीचे रखना होगा और इसे ऊपर। ये माया है माया, और ये है ईश्वर। ईश्वर को ऊपर लाने के लिए माया को नीचे जाना ही होगा, और जिसे ईश्वर दिखाई दे उसे और क्या दिखाई देगा? ये संसार दिखाई देगा क्या? जी नहीं, मैं समझ गया। क्या समझ गया? आप ही सारी सृष्टि के मूल हैं। इस परदेश में, ओ परदेश में क्यों परदेसी रहे? चलो मन जाए घर। इनका ज्ञान हमारी समझ से परे ही रहेगा, शायद जन्म जन्मांतर तक। हमें तो लगता है अब ठाकुर अपनी अंतिम विश्राम की तैयारी में है। लगता है अब ज्यादा समय नहीं है, किंतु जितना भी समय बचा है आओ उसका सदुपयोग करें। अपने इस जीवन की समस्त इच्छाओं को मैं आज से अग्नि के हवाले करता हूं। अपनी इच्छाओं को अग्नि के हवाले करते ही हम स्वयं प्रकाशपुंज बन जाते हैं। आज के बाद कोई भी इच्छा जन्म ना ले सके, इसके लिए हमें अपने भीतर आग जलाकर रखनी ही होगी। जय राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा,
Krishna Krishna Hare Hare Jaya Radhe Krishna Gopal Krishna 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 Hare Hare Jaya Radhe Krishna Gopal Krishna 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 Hare Hare Jaya Radhe Krishna Gopal Krishna 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 Hare Hare पढ़ना क्यों छोड़ दिया रे? आपके पास कोई ऐसी दवा है जिसे खाकर मैं आज तक का सारा पढ़ा लिखा भूल जाऊं? मां से पूछ। आप भी तो मां के अवतार हैं, आप क्यों नहीं कहते उनसे कि वो आपका रोग ठीक कर दे? सब कुछ जानकार भी बोलता है नरेन। अरे मैंने तो अपना सब कुछ मां को समर्पित कर दिया रे, और जो देव को दिया जाए उसे वापस लिया जाता है क्या? उस पर ये नश्वर दे। हमारे लिए तो आपकी देह उतनी ही कीमती है जितनी आपके लिए आपकी मां। एक बार बोलिए ना। एक बार बोला था मां, बड़ा कष्ट होता है खाते समय, सुनकर मां क्या बोली जानता है? बोली, एक मुंह बंद हो गया तो क्या हुआ, तू तो 100 मुंह से खाता है। नरेन खाता है, राखाल खाता है, बाबूराम खाता है, ये क्या तेरा ही खाना नहीं हुआ? रोगी तो शरीर है, आत्मा नहीं ना, भूल जाइए सब, नष्ट हो जाने दे इस शरीर को, मिल जाने दे आत्मा को परमात्मा से। ठाकुर, यासु पहुंचते नरेन, यासु मुझे जाने नहीं देते रे, वरना मैं कब का यह शरीर त्याग किया होता। ये रोग तो शरीर का है, और रोगी शरीर उसी का एक रूप है, वो बनाता भी है मिटाता भी है। मानव शरीर को अपनी बलि भी मानता है। मैं जानता हूं अगर मैं कुछ और दिन रह गया तो कुछ लोगों की आत्मा को प्रकाश मिलेगा, लेकिन मां ऐसा नहीं चाहती रे, मैं कुछ नहीं कर सकता। देवी मां से एक बार तो कह के देखिए ठाकुर। ये सुआ पंखी आत्मा तो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ने का काम करती है नरेन, और फिर मन भर जाने पर इस देह वृक्ष को छोड़कर ऊपर और ऊपर उठती चली जाती है और पहुंच जाती है तारामंडल के पास। उसके बाद मां। प्रणाम ठाकुर। हाँ। कुछ कपड़े लाया हूं। हाँ। इन्हें साधु संतों में बंटवा दीजिए। मेरे साधु संतो ये लोग हैं रे, इनको दे दे, दे दे जा। मैंने तो पहले ही तुझे मां के हाथों सौंप दिया था रे, आज मैं इन सबको तेरे हाथों सौंप रहा हूं। इनका ध्यान रखना। नहीं ठाकुर, मेरे बस का नहीं है ये। जो कुछ भी मेरे पास था
उसे मैं तुझे सौंप दिया रे। मैं भिखारी हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, किंतु जो कुछ भी तुझे दिया है, तुझे इस संसार में बांटना है, जग कल्याण करना है। लगता है अंत अब आने ही वाला है। हाँ, तभी तो नरेन के हाथ हमें सौंपे जा रहे हैं। अपने आप को यदि ये ईश्वर का अवतार मानते हैं तो इन्हें इतना कष्ट क्यों, इतनी पीड़ा क्यों? नरेन, अभी भी तेरे मन में शंका बाकी है रे। अरे मूर्ख, जो राम है वही कृष्ण है, और वही आजकल इस शरीर में राम कृष्ण है। ये किसी वेदांत का मत नहीं, ये सत्य है, शुद्ध सत्य। मेरी शिक्षा ही मेरे विश्वास की जड़ काटती है गुरुदेव। पंछी अभी भी डाल में बैठा है, आज रात को उड़ जाएगा। नरेन, थोड़ी खीर दे दो। ये लो, सकुशल विश्व विजय करके आओ। सरस्वती सदा तुम्हारे जिह्वा पर विराजे। विजय हो गोपी माता, गर्भे गंगा
अरे ओ स्वामी, भागते कहाँ हो? मुकाबला करो इन दुष्टों का, अपने आप भाग जाएंगे। हाँ प्रतिभा का मुकाबला आमने सामने होकर करना होगा, कायर कभी नहीं जीतते। भवति भिक्षां देहि आज के लिए काफी हो गया माजी। हम ब्रह्मास्मि व्याख्यान कीजिए महाराज। वासुपर्ण संध्या सखायो व्याख्यान कीजिए महाराज। सच है, बेकार बोलने से चुप रहना कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। नैतादृशं ब्राह्मण स्यास्ति वित्तं यदि एकता समता सत्यता च। हरिओम। इस धरती पर कामनी और कंचन का त्याग करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हमारे गुरुदेव ने किंतु इन्हें त्याग कर दिया था स्वामी। बच्चे हो तुम, तुम्हें कुछ मालूम नहीं, चलो काम करो अपना। एक छोटा सा सवाल, आपके धर्म का प्रयोजन क्या है? ईश्वर की सेवा। किंतु कैसे? भक्त जनों को प्रवचन देकर। अर्थात? अर्थात कर्मणा परार्था, भगवान की सेवा करो, दरिद्र नारायण पर सदा दया रखो, किसी के भी कष्ट को अपना कष्ट मानो, विपत्ति में पड़े मनुष्य की सदा सहायता करो। आज वास्तव में जाना कि कथनी और करनी कितनी अलग अलग है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।
स्टेशन
प्रगति है। हंसने वाले पोर्टर भैया, ये तुम अंदर रख देना, हंसाने वाला मास्टर राउंड लगा कर आता है। स्वामी जी बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे दौड़ रहे हैं, तो आइए मेरे साथ खाना खाने। क्या खिलाओगे तुम? आइए तो सही चलो तो सही, आइए तो सही, पधारिए आइए पधारिए। इस अंदर को खुलता है स्वामी, आइए पधारिए, आइए 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 स्वामी जी, आइए पधारिए। मेरे घर आए हैं मेरे स्वामी, और स्वामी की सेवा करना मेरा धर्म है, और सेवा का फल देना उसका कर्म है। मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम भूखे हैं, कुछ खाने को देना। 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 अपने में बहुत गिर चुकी है शरद बाबू, चारों ओर भूख ही भूख फैली हुई है। हमें अपनी मातृभूमि में प्राण फूंकने होंगे, हमें बहुत कुछ करना होगा। बताइए मुझे क्या करना है स्वामी? अपने हाथ में कमंडल और भिक्षा पात्र लेना होगा, जहां से गुरु छोड़ गए थे ना, वहां से काम आगे बढ़ाना होगा। मैं तैयार हूं। वेदांत साम्राज्य सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् व्यतयत् शुद्ध सत्वाः। শঙ্খ সুন্দর ভাসে ভূমি ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর ও নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি শশাঙ্ক সুন্দর ভাসে ভূমি ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর ও নাহি সূর্য।
সেই জগৎ সংসার ভাসে পশুপুত মন আকাশে জগৎ সংসার ভাসে ওঠে ভাসে রবে পুন অহং স্রোতে নিরন্তর নিরন্তর নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর ভাসেবমি ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরা চর ও নাহি সূর্য শিল বহে মাত্র আমি আমি এই ধার অনুক্ষণ অনুক্ষণ নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর ভাসে বমি ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরা চর ও নাহি সূর্য শূন্য মিলাইল আমার মানস গোচরণ বোঝে প্রাণ বোঝে যার বোঝে যার নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর ভাসে বমি ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরা চর ও নাহি সূর্য নাহি সূর্য নাহি সূর্য নাহি সূর্য নাহি সূর্য নাহি সূর্য
स्वामी जी, सुना है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, चाहें तो आराम से खा कमा सकते हैं, फिर आपके हाथ में ये भिक्षा पात्र किस लिए? आप राजा हैं, अपना राजकाज भूलकर अंग्रेजों के साथ शिकार और तफरी में अपना समय क्यों नष्ट करते हैं? केवल आनंद के लिए ही ना? आपके ऋषि मुनि भी अपना सारा जीवन व्यर्थ करते हैं पूजा पाठ और ध्यान में, केवल अपने आनंद के लिए ना? किंतु एक जानवर भी दूसरे जानवर को बिना प्रयोजन नहीं मारता, फिर आप क्यों मारते हैं उन्हें? मुझे यह अर्थहीन लगता है। अर्थहीन? हमें मूर्ति पूजा अर्थहीन लगती है। ये लोहे के टुकड़े, ये पत्थर, ये लकड़ी, ये मिट्टी के लौंदे को भगवान मानकर इन्हें पूजना हमें समझ में नहीं आता। दिस इज नॉनसेंस। क्या है ये? ये तस्वीर किसकी है? हमारे पिताजी की। क्या तुम इस पर थूक सकते हो? हमारे पिताजी पे? ये पिताजी कहाँ है? ये तो उनकी तस्वीर है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, रक्त और मांस का पिंड नहीं। फिर भी तुम्हें इस तस्वीर में अपने पिताजी के दर्शन होते हैं, होते हैं कि नहीं? होते हैं, होते हैं। महाराज मंगल सिंह जी, इसी तरह एक भक्त कोई धातु, लकड़ी, मट्टी या पत्थर के टुकड़े को नहीं पूछता, उसमें उसे अपने भगवान के दर्शन होते हैं। विश्वास अंधा है, अनुभव ही सत्य है। विश्वास अंधा है, अनुभव ही सत्य है। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी आपने स्वामी जी। आप रुक क्यों गए स्वामी जी? चलिए ना, ये नाच गाना समाप्त होने दो, मैं फिर आऊंगा। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो।
सन्यासी हूं, और अगर हूं तो यह कैसे भूल गया कि सारी सृष्टि का रचयिता एक ही है, हम सब एक ही है। मुझे क्षमा कर दे मां, मुझसे ऐसी गलती फिर कभी नहीं हो। नहीं स्वामी जी, गलती मेरी है, क्षमा मुझे मांगनी है। स्वामी जी, विधि और नियम क्या है? नियम का संबंध बाहरी जगत से नहीं, मन से है। मन जिस प्रणाली से
किसी भी वस्तु की धारणा करता है वही नियम है। का प्यार श्रद्धा स्नेह ये सब मर चुका है। महाराज मुझे जाने दीजिए। आज से तू सदा मेरे सर पर ही रहेगी। मुझे आशा है कि भारतीय संस्कृति के बारे में मैंने जो कुछ कहा उससे आप लोग संतुष्ट होंगे। फिर भी यदि आप में से कोई कुछ बोलना चाहे तो मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। मातृभूमि के लिए मन में केवल प्रेम उमड़ आए इससे काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि भारतवासियों की सेवा करने के लिए आपके मन में हलचल कितनी होती है। दुखी दरिद्र और बिना पढ़े लिखे हमारे भारतवासियों को देखकर उनके हालात को बदलने के लिए मेरे मन में आग सी लगी रहती है। केवल कर्मों की दुहाई देकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। यदि गरीब जो भोग रहे हैं वो उनके कर्मों का फल है
तो उनके दुखों को दूर करना हमारा कर्म होना चाहिए। अगर ईश्वर को चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो। करोड़ों भूखे नंगे भारतवासियों की सेवा। स्वामी जी, दृढ़ विश्वास है कि शिकागो में होने वाले विश्व धर्म संसद में आप ही को जाना चाहिए। हमारे विचार अलग अलग हैं। तो क्या हुआ? परंतु ये सब भूलकर आप हमारे घर आइए ना। जरूर आऊंगा। Love thy neighbor as yourself. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulallah. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha. Dravida, Uttal, Banga. Vindhya, Himachal, Yamuna, Ganga. Uchhal, Jalabhi, Taranga. Like to know how I can get an opportunity to speak in the Parliament of Religions. It will begin on the 11th of September, sir. Oh. In 2 months from now, if you're an authorized representative of a nation or society, then you'll be granted an opportunity to speak. Oh, I see. Thank you. In 2 months from now, if you're an authorized representative of a nation or society, then you'll be granted an opportunity to speak. So little in hand, and 2 long months to survive. Thank you.
स्वामी। And now I invite the wandering Hindu monk from India, Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome given to us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers from the stage who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both toleration and acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we also accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnants of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे स्थं गच्छन्ति नामरूपा विहाय. As different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea, so, O Lord, different paths which men take due to different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. The present convention, which is
one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Whomsoever comes to me in whatsoever form, I reach him. All men are struggling through different paths, which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled this earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilizations, and sent whole nations to despair. Had it not been for those horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time has come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in the honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with a pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Most Holiness Sri Paramahamsa Yati Raja, Digvijay Kolahala, Paramayogeshwara, Srimad Bhagwan, Sri Ramakrishna Paramahamsa Karakamala Sanjata, Rajadi Raja Sevita, Sri Vivekananda Swami, may it please your holiness, we the inhabitants of this ancient and historic samsthanam of Setubandha Rameshwaram, otherwise known as Ramnathapuram or Ramnad, beg most cordially to welcome you to this, our motherland. We deem it a very rare privilege to be the first to pay your holiness our heartfelt homage on your landing in India. We have watched with feelings of genuine pride and pleasure
The unprecedented success which has crowned your laudable efforts in bringing home to the finest minds of the West the intrinsic merits and excellence of our time-honored and noble religion. Your Holiness has crossed boundless seas and oceans to convey the message of truth and peace and to plant the flag of India's spiritual triumph and glory in the rich soil of Europe and America, both by precept and practice, shown the feasibility and importance of universal brotherhood. Above all, your labors in the West have indirectly and to a great extent tended to awaken the apathetic sons and daughters of India to a sense of their greatness and glory of their ancestral faith and to create in them a genuine interest in the study and observance of their dear and priceless religion. Behold, the sleeper is awakening. Like a gentle breeze from the Himalayas, it is bringing new life and vitality into the almost dead bones and muscles. The lethargy is passing away, and only the blind cannot see, or the perverted, those who do not wish to see, that this motherland of ours is awakening from a deep, long sleep. Now, none can resist her. She will never again sleep anymore. No outward power can hold her back anymore, for the infinite giant is rising to her feet. Great works are to be done. Wonderful plans have to be worked out. We must teach and learn from other nations many things. This is the motherland of philosophy, of spirituality and ethics, of sweetness, gentleness and love. These will exist. And my experience of the world leads me to stand on firm ground and make the bold statement that India is still the first and foremost of all nations of the world in these respects. I believe in God and I believe in man. I believe in helping the miserable. I believe in even going to hell to save others. I do not believe in a god or religion that cannot wipe the widow's tears or bring a piece of bread to the orphan's mouth. In this land are still religion and spirituality, fountains which will have to overflow and flood the world to bring in new life and vitality to the Western and other nations, which are now almost born down, half killed and degraded by political ambitions and social scheming. There are two great obstacles on our path in India: the Skylar of old orthodoxy and the Charybdis of modern European civilization. Of these two, I vote for the old orthodoxy and not for the Europeanized system. For the old orthodox man may be ignorant, he may be crude, but he is a man. He has faith. He has strength. He stands on his own feet, while the Europeanized man has no backbone. He's a man of heterogeneous ideas picked up at random from every source. And these ideas are unassimilated, undigested, unharmonized. I vote for the old orthodoxy and not for the Europeanized system. I vote for the old orthodoxy and not for the Europeanized system. I vote for the old orthodoxy
and not for the Europeanized system. Through the changing times, the river of life flows on eternally. Incidents and experiences may be diverse, but human feelings and emotions are the same. The sayings of great saints prove to be relevant always, in spite of changing trend and vehement revolutions. What Swamiji spoke a century back, the unfailing truth is a verdict of yesterday, today and tomorrow. So awake, arise, and stop not till the goal is reached. Long live Vivekananda! Long live Vivekananda! Long live Vivekananda! Long live Vivekananda!